कोविड-19 स्वास्थ्य संगठन द्वारा अपने नियमितीकरण एवं निकाले गए कर्मचारियों को पुनः काम पर रखने की मांग को लेकर बुधवार से अनिश्चितकालीन धरना विरोध प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया गया है। स्थानीय 40 चौराहे पर चल रहे इस धरने को शुक्रवार को दूसरा दिन था, जिसमें कोविड-19 के स्वास्थ्य संगठन कर्मचारियों द्वारा पीपी किट पहनकर विरोध प्रदर्शन किया गया। जानकारी के लिए बता दें कि नीमच शहर में गुरुवार को सुबह से ही कभी नम तो कभी तेज बारिश का दौर चल रहा था। बारिश के इस दौर में भी स्वास्थ्य संगठन के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। बारिश की बूंदों के बीच स्वास्थ्य संगठन के कर्मचारियों द्वारा अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा गया। बारिश का मौसम अलग है जी, हम ऐसी भरी बारिश में भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सरकार से एक ही चीज चाहते हैं, हमारा नियमितीकरण किया जाए, हमारे परिवार को भी सेफ रखा जाए, हमको भी सेफ रखा जाए और हमें नियमितीकरण दिया जाए। क्या मांगे आपकी रही है? देखो, हमारी तो एक ही मांग है नियमितीकरण की, और जिन नीमच में जिन 40 कोरोना योद्धाओं को निकाल दिया गया है उनको वापस लेना है। हमारा सरकार से यही अनुरोध है। दूसरे दिन इस चलती हुई बारिश में भी हम पीपी किट पहनकर अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं, और हमारा सरकार से यही अनुरोध है कि इन कोरोना योद्धाओं की सुध ले सरकार, और जिन 40 लोगों को अपने निमित्त से निकाला है उनको वापस ले और हमको नियमित करें।